कैट एग्जाम अभी अंदर देख क्या मैं ये टॉपिक छोड़ सकता हूँ इन माई एवरी क्लास देर आर फोर फाइव स्टूडेंट आर दिस क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व और नहीं समझ आ रहा काम करते हैं सर छोड़ देता हूँ मैं तो लेट्स लुक एट फाइव टॉपिक विच यू कैन लीव फॉर द कैट एग्जाम यू माइट बी एक्सपर्ट ऑफ दिस एरिया बट हिस्टोरिकलीज टॉपिक्स आर रियली वेरी वेरी टफ ऑन द एग्जाम डे या So at number five on the list is profit and loss. The question which is coming in the cat hack is it based on percentage yeah, there are only three things MP, CP, SP bus. You understand the topic completely. But the cat paper, this topic is so confusing, so confusing that it's almost impossible to solve. Yeah. So number five on the list is profit and loss. See. If I want to clear the cutoff, ninety percentile is your target. You just need to do eight question correct, which is twenty-four marks. For that, you have to do around eleven question attempt. Three point six minute per question is your ideal time for the CAT paper. Okay, so I do need to solve the complete paper. Out of twelveees, I just need to attempt half, twelve question. Attempt half, then based on accuracy, accuracy, it will be my final. So number five on the list is profit and loss. फोर इन दस इज टाइम स्पीड डिस्टेंस एक तो साइज उसका दो मिनट तो पढ़ने में जाएगा टाइम डिस्टेंस एंड ऑलवेज कंफ्यूजिंग क्वेश्चन वेरी इजी टाइम स्पीड इज इज ओनली वन फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड इन टाइम एंड दैट्स माई जी स्ट्रेटेजी बाबा तो क्वेश्चन कुछ भी दे वी आर गोइंग टू अप्लाई ओनली वन फार्मूला डिस्टेंस स्पीड इन टाइम ओके बट the kind of question coming in the CAT exam is always very concerned but yes two questions are there every year based on time speed distance profit and loss always one question so these are topic yes you can leave number three on the list is algebra especially if you're non-engineer not comfortable non-engineer every year there are two questions based on algebra and it can be anything it can be find the number of solutions of this expression find that roots

तो दुआ काम आती है तो अभी अगर तुम्हें नहीं जम पा रहा तो पांच टॉपिक आप छोड़ सकते हो भगवान को दुआ करो और टॉपिक छोड़ दो ओके नंबर टू ऑन द लिस्ट इज नंबर इज सो नंबर इज सो डीप दैट इज इनक इम्पॉसिबल टू कंप्लीट दिलेबस इतने टॉपिक है के अंदर इतने सबसे दैट इज इम्पॉसिबल रिमाइंडर थियोरम एस एम डिविजिबिलिटी आप चार पांच टॉपिक करके जाओ

उसके जैसा क्वेश्चन मिला तो आई कैन ट्राई अदरवाइज सो इफ यू हैव और इन केस ऑफ टू अस सो ऑल द लोकेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स इज गिवन हेयर टाइम स्पेस टू बस इज गोइंग टू टूर्ड इच अदर रेसिस ट्रेन बोट एंड फ्रॉम टाइम एंड वर्क मैन डेज टाइम एंड वर्क ए एंड बी पाइप एंड सिस्टम सारे टॉपिक करके जाएंगे बाकी मैं सारे टॉपिक छोड़ दूंगा ठीक है इफ यू टू पुट एक्स्ट्रा एक्स डू सॉल्व एग्जाम्पल ओनली डू द सॉल्व एग्जाम्पल फ्रॉम योर बुक्स

ठीक है जो तुम्हारी मर्जी है ओके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको दे दी जो छोड़ना मत उसका वी, वीडियो मेक ना हो एटलीस्ट ये टॉपिक आप छोड़ सकते हो ऑर ऑल द बेस्ट